Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on dimensional analysis which was asked in NET physics exam. In the previous video I have already discussed about the dimensional analysis, dimension equation and then application of dimensions. So let's talk about the questions. So yahan pe humne 5 question le rakha hai. पहला क्वेश्चन है विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा. तो सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज एस सी बाई ई, सेकेंड एस सी बाई ई टू द पावर 3/2 एस सी स्क्वायर एंड देन डी इक्वल टू एस सी बाई ई. ये क्वेश्चन पूछा है नेट 2015 दिसंबर में. तो हमें यहाँ बताना है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा. देन अनदर क्वेश्चन है विच क्वांटिटी हैज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है. ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट 2016 जून में पूछा हुआ है. देन हम बात करेंगे कंसिडर वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 80 स्क्वायर वेयर टी इज़ टाइम एंड ए इज़ सम कॉन्स्टेंट. Then unit of A, so we have to find the unit of A and there are 4 options: time square, 1 upon time and 1 upon time square. उसके बाद एक क्वेश्चन है consider the relation. इस relation को हमें consider करना है और बताना है the unit of L by R. ये question भी काफ़ी पूछा जाता है exam वगैरह में, entrance में. And the last question is consider V equal AT square plus BT TQ, then the unit of A by B is what? Time square 1 upon time you cannot find. तो हम स्टार्ट करते हैं इसी लास्ट क्वेश्चन से. तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस का डायमेंशन हम किस तरीके से निकालते हैं. तो इसमें हमें गिवन है V इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BTQ. तो चूंकि यहाँ दो राशि एक साथ ऐड हो रही हैं, यहाँ AT स्क्वायर और प्लस BT स्क्वायर, तो कभी भी दो राशियाँ तभी ऐड होती हैं जब उनका यूनिट सेम हो. यानी यहाँ पे जो यूनिट AT स्क्वायर का होगा वही यूनिट BT स्क्वायर का होगा. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ AT स्क्वायर इक्वल यूनिट ऑफ BTQ. देन हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ A बाई B इक्वल टू, इधर है यूनिट ऑफ T स्क्वायर अपॉन यूनिट ऑफ T स्क्वायर. ये T स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड होगा. सो यूनिट ऑफ TQ अपॉन यूनिट ऑफ T स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपली T एक तरह से टाइम का क्यूब अपॉन टाइम स्क्वायर. तो सिंपली हमें मिलेगा टाइम. तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट ऑफ ए बी इज टाइम. सो इसका ए करेक्ट होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से निकालते हैं. दो राशियां अगर ऐड की हों या डिफरेंस की गई हों तो उन सब का दोनों का डायमेंशन या और ज़्यादा भी हों तो सबका डायमेंशन सेम होता है. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर. तो इस तरह से हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं टाइम को. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइम. उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में. तो अगला क्वेश्चन है कंसीडर द रिलेशन. हमें इस रिलेशन को कंसीडर करना है I इंटू आर. सो E इक्वल टू माइनस एल डी एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर. देन हमें फाइंड करना है यूनिट ऑफ एल बाई आर. तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा L बाई आर. हम निगेटिव को छोड़ रहे हैं, यहाँ हम यूनिट केवल ध्यान दे रहे हैं और यहाँ I है. एक तरीके से ये हो जाएगा I इंटू डी टी बाई डी आई.
अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, हम नेगेटिव भी लगा सकते हैं इस पार्ट को, तो हमें मिलेगा एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस आई डी टी बाई डी आई। तो डायमेंशनली इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा, यूनिट सेम होगा, दोनों ही करंट है, चाहे यहाँ चेंज हो या फिर ये डायरेक्ट करंट हो, तो ये दोनों कैंसिल। तो सिंपली एल बाई आर इज इक्वल टू टाइम। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था अगर इस तरीके से करेंगे तो। यूनिट ऑफ एल बाई आर इज सिंपली टाइम। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाइम। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर y इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर। सो y इक्वल a e टू द पावर y इक्वल a माइनस a e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर, वेयर t इज़ द टाइम एंड a इज़ सम कॉन्स्टेंट, और इसी कॉन्स्टेंट्स का हमें यूनिट बताना है, यूनिट ऑफ a। सो इसको हम सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। सो e टू द पावर माइनस x इक्वल होता है माइनस वन बाई एक्स, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। तो ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ एक्स के जगह पे क्या है ए टी स्क्वायर। सो वन माइनस ए टी एंड देन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल ए टी का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे हम वही चीज़ लगा सकते हैं कि इसका डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन इस टर्म का होगा, क्योंकि वो दोनों टर्म एक साथ ऐड हो रहे हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं डायमेंशन या यूनिट। सो यूनिट ऑफ ए टी इज़ इक्वल टू यूनिट ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। This is a square t square। तो ये हो जाएगा, हमें बताना है यूनिट ऑफ a। तो हम चाहें तो एक उधर लेते जाए, सो t यूनिट ऑफ t अपॉन यूनिट ऑफ, इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं t square। तो यहाँ पे हम t को यहीं रखे हैं और t square को अपॉन में ला रहे हैं, और इधर ए स्क्वायर है। सो लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन यूनिट ऑफ ए, यहाँ पे दोनों था ए और टी, यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ टी अपॉन यूनिट ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू यूनिट ऑफ ए। तो यह सिंपली हो जाएगा यूनिट ऑफ ए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो सिंपली यूनिट ऑफ है, और ये टाइम से एक टाइम जाएगा तो वन अपॉन टाइम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला पार्ट। सो क्वेश्चन थ्री का आंसर होगा वन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ए का जो यूनिट होगा वो होगा वन अपॉन टाइम। तो इस तरह से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी हैज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम वन बाई वन सबको चेक करें डायमेंशन वाइज, सबके डायमेंशन रखें उस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं, या फिर हम ये दिखाएं जैसे यहाँ पे चारों राशि क्या क्या हैं, एक H है और C है, उसके बाद KB है बोल्ट्ज़मान कॉन्स्टेंट एंड देन जी है, और ये बताना है कि टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है। तो एक तरीके से हमें ये दिखाना है कि टेम्परेचर किस किस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, ए पावर बी और सी और इसके पावर डी। तो इस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर अदर मेथड है कि हम सबका डायमेंशन रखें और फिर देखें लास्ट में कि कौन सा टेम्परेचर के लिए आता है, क्लियर। सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर,
तो देख लेते हैं पहले h का क्या होगा। h का डायमेंशन, h का डायमेंशन होगा अगर हम यहाँ से फाइंड करें e इक्वल टू होता है h न्यू। अगर हम h फाइंड करेंगे या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं h अपॉन t, न्यू को 1 अपॉन t लिख सकते हैं, तो h हो जाएगा e इंटू टी। तो डायमेंशनली ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ पे टी है तो एच का मान हो गया एम एल टू टी माइनस वन। क्लियर। सो एच का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस वन, और सी का डायमेंशन हमें पता है ये वेलोसिटी है, सो ये सिंपली एल टी माइनस वन हो जाएगा। के बी, के बी वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट, इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से ई इक्वल टू होता है 3/2 के बी टी। तो सिंपली के बी इक्वल डायमेंशनली हो जाएगा ई बाई टी, और ई बाई टी मीन्स एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, ये हो जाएगा एम एल टू टी टू द पावर माइनस थ्री। सो के बी का डायमेंशन हमें मिल गया एम एल टू द पावर टू एंड टी टू द पावर माइनस थ्री। एक टर्म और है यहाँ पे जी, तो जी का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू से, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू एंड देन एम और एम डबल मास है यहाँ, सो ये एम टू हो जाएगा। सो जी का डायमेंशन हमें मिलेगा एम माइनस वन, क्योंकि यहाँ दो एम है, और ये हो जाएगा एल पावर थ्री और टी पावर माइनस टू। तो अगर हमें डायमेंशन नाम पता हो तो हम इस तरीके से चारों डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम बचाना हो तो हमें इन सब का डायमेंशन याद रखना होगा। डायमेंशन डायरेक्टली क्या होता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल। एच क्या है, एच यहाँ पे है, सो एम एल एम एल टू टी माइनस वन, यहाँ टी हमारा थीटा होगा, यहाँ टेम्परेचर था ये, सो टी माइनस टू एंड थीटा माइनस वन, ठीक है, थीटा माइनस वन। तो सी का डायमेंशन ये हो जाएगा ए, सी का डायमेंशन एल टी माइनस वन इसके पावर बी, एंड देन के बी का डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू और थीटा माइनस वन। उसके बाद जी का मान रखेंगे हम देन इंटू, जी का डायमेंशन है एम माइनस वन एल पावर थ्री और टी पावर माइनस टू। तो ये नेट में पूछा है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो ये हो गया इसके पावर में डी और यहाँ पे पावर है सी। तो हम वही मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने डायमेंशन के दौरान समझाया था, एप्लीकेशन मेथड। तो ये हो जाएगा m टू द पावर a। तो हम देखते हैं कि m का पावर कहाँ कहाँ है, तो m का पावर a और यहाँ है m का पावर c, सो प्लस c, एंड यहाँ है m माइनस वन, सो ये हो जाएगा माइनस d। क्लियर। देन l का पावर यहाँ पे है 2a, एंड देन एल का पावर है बी, और यहाँ एल का पावर 2c, यहाँ पे 3d, एंड देन टी टेम्परेचर है तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा। थीटा सो टी का पावर यहाँ पे है माइनस ए, एंड देन माइनस बी माइनस टू सी एंड माइनस टू डी, और थीटा का पावर है माइनस सी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ केवल थीटा का पावर दिख रहा है, यानी माइनस सी इक्वल्स टू वन, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू मिल गई हमें माइनस वन, ठीक है। तो सी हो जाएगा माइनस वन, एंड देन
इसको हम अगर कंपेयर करें दोनों साइड से, तो यहाँ पे जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसे हम ज़ीरो मान लेते हैं, तो m का पावर भी ज़ीरो है। तो अगर हम इंडेक्स को मिलाएं तो यहाँ हमें मिलेगा a प्लस सी माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सिंपली हो गया a प्लस सी इक्वल टू डी। और इस क्वेश्चन को देखें तो हमें मिलेगा 2a प्लस बी प्लस टू सी प्लस थ्री डी इक्वल ज़ीरो। और यहाँ पे हमें c का मान पता है तो हम लिख सकते हैं a इक्वल डी प्लस वन, क्योंकि c माइनस वन है तो a हो जाएगा d प्लस वन। एक और वहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम d प्लस वन रखें और c को रख दें तो a का मान d प्लस वन, सो टू डी प्लस वन प्लस बी प्लस टू सी प्लस थ्री डी। और यहाँ पे c का मान माइनस वन है, ये सिंपली माइनस टू हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा सी हो जाएगा टू डी प्लस टू एंड देन बी माइनस टू प्लस थ्री डी इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी ये हो गया बी प्लस फाइव डी इक्वल टू टू, नहीं टू टू यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। सो बी प्लस फाइव डी इक्वल टू ज़ीरो, सो बी प्लस फाइव डी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? तो बी प्लस फाइव डी इक्वल टू ज़ीरो, या यू कहें ठीक है। एक लास्ट हम आ रहा है माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी माइनस टू डी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, दूसरा एक रिलेशन हमें यहाँ मिला है और एक तीसरा रिलेशन हमें यहाँ मिला है। यहाँ देखते हैं c की वैल्यू हमें पता है माइनस वन, सो ये प्लस टू हो जाएगा। a पता है d प्लस वन, सो सिंपली माइनस डी माइनस वन माइनस बी, और ये प्लस टू हो गया माइनस टू डी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस थ्री डी एंड प्लस वन, उधर जाके माइनस वन। तो यहाँ से हमें मिलेगा बी प्लस थ्री डी इक्वल टू वन। सो एक रिलेशन हमें ये मिला। कुल मिला के हमें ए बी सी और डी चारों रिलेशन चाहिए। तो थोड़ा ये लंबा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है। तो b प्लस डी से हमें मिल रहा है b इक्वल टू, या सिंपली अगर इस और इस इक्वेशन को हम माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 2d इक्वल वन माइनस वन, b प्लस फाइव डी माइनस दिस, सो हो जाएगा फाइव। सो इसको इसको अगर हम माइनस करें तो b प्लस फाइव डी माइनस बी माइनस थ्री डी इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ से b कैंसिल होगा और 2d इक्वल टू माइनस वन, यानी हमें d मिल गया माइनस हाफ। क्लियर? सो d की वैल्यू मिल गई माइनस हाफ, c है इतना। तो d अगर माइनस हाफ है तो a मिलेगा हाफ, ये हो गया हाफ, d है माइनस हाफ। यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, b हो जाएगा, अगर d माइनस हाफ है तो ये b हो जाएगा 5 बाई टू। तो फाइनली फाइनली हमें मिल गया a b c और d। तो एक तरीके से ये हो गया h का पावर a यानी हाफ, एंड देन c का पावर b और b का माना है 5 बाई टू, एंड देन kb का पावर c, और c की वैल्यू आई थी माइनस वन, और उसके बाद g का पावर है d और ये वैल्यू आई है माइनस हाफ माइनस हाफ। तो इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला बनता है।
तो यहाँ देख रहे हैं कि सबका पावर हाफ है। अगर हम इसको ये k टू द पावर एक माइनस वन दिख रहा है, तो इसको भी अगर हम उस तरीके से लिख लें s टू द पावर हाफ c टू द पावर फाइव हाफ इंटू के बी, इसका पावर यहाँ पे माइनस वन दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्क्वायर एंड देन माइनस हाफ, क्लियर। या फिर हम यहाँ माइनस टू लिख लें, यहाँ पे हाफ लिख लें तो भी चल जाएगा। और ये हो जाएगा g का पावर माइनस हाफ, या यू कहें ये g का पावर हो गया माइनस वन और बाहर हाफ। और इसको भी हम चाहें तो इस तरह से लिख लें c का पावर फाइव और ये पावर हाफ, तो हमें मिलेगा एच सी जो दोनों प्लस में है इसका पावर फाइव, और के बी माइनस में है और ये भी माइनस में है, सो जी इंटू के बी स्क्वायर। ये है टेम्परेचर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, एच सी टू द पावर फाइव जी और के बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, या फिर हम वन बाई वन सबका डायमेंशन रखें, उसका अंडर रूट लगाएं और उस हिसाब से इसको चेक करें। तो डायमेंशन यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों तरीके से, चाहे हम हर ऑप्शंस के चूज़ करें और हर एक ऑप्शंस को डायमेंशन रखें और उसका देखें कि टेम्परेचर थीटा हमें कहाँ मिलता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर जो हमारा ये एप्लीकेशन वाला मेथड था कि हम उसको डायमेंशन लेंगे और डायमेंशन लेने के बाद उसको ए बी सी डी इसका फाइंड करेंगे, और ए बी सी डी फाइंड करने के बाद इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एच सी टू द पावर फाइव के बी स्क्वायर जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है आज का। ये है विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन है जो एरिया का, ये यहाँ पे एरिया है तो एरिया का डायमेंशन एक तरह से L2 होता है। हमें ये चेक करना है कि इसमें से किसका डायमेंशन L2 होगा। फिर से वही दो तरीके हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा है नेट दिसंबर 2015 में, तो नेट का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। सो पहला ऑप्शन एस सी बाई ई, दूसरा एस सी बाई ई थ्री हाफ, और एस सी बाई ई का होल स्क्वायर और एस सी बाई ई। तो फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन टर्म है, एस सी है और ई है। तो एक तो तरीका है कि हम सिग्मा को प्रोपोर्शनल दिखा दें एच के पावर ए, सी के पावर बी और ई का पावर सी। तो ये वही हो गया जो एप्लीकेशन मेथड है डायमेंशन का, उस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि हम सबका डायमेंशन पुट करें और उस हिसाब से चेक करें। तो दोनों ऑप्शन हैं, तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मेथड ही देखते हैं डायमेंशन का। तो सिग्मा हमारा क्या है, एरिया है, सो ये हो गया सिंपली L2। H, H का डायमेंशन होता है ML2 T-1, क्लियर। ये हो जाएगा A। H को हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं H न्यू, तो ये हो जाएगा H अपॉन T। सो यहाँ पे टी इंटू हो जाएगा, तो क्लियर है ये एम एल टू टी माइनस वन। उसके बाद सी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, पावर बी कर लेते हैं। उसके बाद इनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू, और इसका पावर हो गया सी। तो ये हो जाएगा एम टू द पावर ए, और एक यहाँ पे क्या है, यहाँ एल टी माइनस वन है, एल टी माइनस वन का पावर बी। सो m यहाँ पे नहीं है, m का पावर है, और इधर m का पावर c, l का पावर यहाँ पे है, सो 2a प्लस बी माइनस प्लस टू सी, एंड देन t है यहाँ पे माइनस a माइनस बी एंड देन माइनस टू सी।
यहाँ है एल टू द पावर टू। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स को हम कंपेयर करें, यहाँ हम इक्वल करके कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं कि, तो अगर इंडेक्स को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ एम का पावर इधर कुछ भी नहीं है, तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा मिलेगा टू ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू टू। और यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, टू अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू टू, और ए प्लस सी यहाँ पर ज़ीरो है, तो सिंपली यहाँ से हमें मिल गया बी की वैल्यू टू, बी की वैल्यू मिल गई टू। टेम्परेचर को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो टेम्परेचर से हमें मिलेगा माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो, और बी हमें पता चल चुका है, सो बी को हम टू यहाँ रख लें, माइनस ए माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा सिंपली ए प्लस टू सी इक्वल टू माइनस टू, क्लियर। फिर इसको हम यहाँ रख के सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम माइनस करेंगे तो ये सी मिल जाएगा और यहाँ पे हमें माइनस टू मिल जाएगा, तो सी की वैल्यू आ रही है माइनस टू, और यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी टू। तो तीनों वैल्यू हमें मिल गई, बी का मान है टू, ए का मान टू, और सी का मान माइनस टू। तो बड़ा आसान है यहाँ से ढूंढना, हम लिख सकते हैं एच टू द पावर, ए का मान कितना है टू, सी का मान नहीं, लाइट की वेलोसिटी सी है, पावर बी है, सो सी टू, और ये जो सी है वो ई का पावर है, सो ई का पावर माइनस टू। तो अब इसको हम आराम से दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन ई का स्क्वायर, क्लियर। एच स्क्वायर सी स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस टू, सो एच सी अपॉन ई का होल स्क्वायर। सो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन, एच सी अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो ये एक तरीका था जो डायमेंशन वाला था एनालिसिस का, या फिर हम अलग से वही कर सकते हैं कि सबका अलग अलग यहाँ डायमेंशन हम पुट करें, उसके बाद जो आए उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो अगर डायमेंशनली हम चेक करेंगे तो उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने पहला ऑप्शन लिया एच सी अपॉन ई, तो एच का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस वन। तो अगर एप्लीकेशन मेथड हमें कन्फ्यूज़न में है, नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एम एल टू टी माइनस वन, और C हो जाएगा एल टी माइनस वन, और अपॉन में इनर्जी है, सो एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो M का पावर ज़ीरो हो जाएगा, L का पावर देखिए यहीं पे यह चेक हो जा रहा है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ L का केवल एक ही पावर बच रहा है, और यहाँ पे एरिया का पावर है, यानी हमें कम से कम L2 चाहिए। तो ऐसे भी फटाफट चेक हो जाएगा, दूसरे वाले को हम उसी तरह चेक कर लेंगे, तीसरे आते आते तो आंसर ही मिल जाएगा। तो ये तरीका भी ठीक है, अगर इस तरह से याद है तो फिर बड़े आराम से ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके में आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, अगर कहीं आंसर चौथे ऑप्शन में मिला तो आपको तीन चेक करना पड़ेगा, लास्ट में मिलेगा। और इस मेथड में एक ही बार में आप सीधे जाएंगे और एक ही बार में आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेट वगैरह में पूछा गया है और कई एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो इस तरह के और क्वेश्चन हम लाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।